नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे जो कानों में बजिंग साउंड आता है, जैसे बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड के बाद, या कई लोगों को एयरप्लेन्स में या हाई, जैसे आप ऊंचाई पे चले जाते हैं तो एयर प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, और साथ ही साथ जैसे बजिंग, जैसे एक साउंड सा चलता रहता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपकी जो एयर प्रेशर है वो बढ़ गया है कानों में, और या फिर कोई इन्फेक्शन है। तो अब उसका हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं प्राणायाम के थ्रू? तो सबसे पहले एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसको हम करते हैं, कपोल तथा कर्ण शक्ति विकासक। इसमें मुंह से श्वास भरना होता है और नाक को बंद करना होता है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए, ताकि यू कैन फील द प्रेशर अराउंड योर ईयर ड्रम, और आपकी जैसे गले में भी श्वास रोकना होता है तो ऑटोमेटिकली उस प्रेशर से, उस स्टिमुलेशन से वहाँ का जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वहाँ का मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके से ये देखिए, जब आप ब्रीथ को रोक रहे हैं तो आप ईयर ड्रम में भी कोई स्पंदन महसूस करेंगे और हार्ट बीट भी महसूस करेंगे। तो कोशिश कीजिए इसे 5 से 7 बार करें। हाँ, जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो वो किसी टीचर के सुपरविज़न में ही करें, बहुत ज़्यादा देर तक इसको होल्ड ना करें। अब हम जो सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हम नाद प्राणायाम। तो अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, अंगुलियों से आँखों को, और टंग को ऊपर फोल्ड करके अपर पैलेट पर, और फिर न का उच्चारण करेंगे ओपन लिप्स लाइक दिस। इस तरीके का उच्चारण 5 से 7 बार आपको करने से ऑटोमेटिकली यू फील मोर रेजोनेंस अराउंड योर ब्रेन सेल्स, और आप बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप क्या कीजिए, धीरे से जैसे सीधे खड़े हो जाइए और आगे झुककर पूरा अच्छे से म का उच्चारण कीजिए। जैसे हम फॉरवर्ड बैंडिंग में आगे खड़े होंगे और पूरा आगे झुककर, या फिर आप अगर आप जैसे खड़े होने की दिक्कत है आपको, आप लेटे लेटे भी, बैठकर भी, आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथों से कानों को बंद करना है, थोड़ा सा आगे झुकना है ग्रेविटेशन को सपोर्ट देने के लिए, और फिर म का उच्चारण करना है लाइक दिस। प्रकार ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो भी कानों में साउंड आ रहा है, या फिर जो गले में जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ जो आपको कफ कोल्ड में भी जो बहुत ज़्यादा झंझनाहट सिर में रहती है, या बहुत ज़्यादा म्यूकस डिपोजिशन है, इससे रिलीज हो जाएगा। तो वैसे ही योग जैसे होलिस्टिक अप्रोच देता है, तो कानों की प्रॉब्लम के साथ साथ इन्हीं एक्सरसाइज से आप अपनी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।